हैं उनको एक घर बसाने का जितना भी सामान चाहिए था वो सारा हमने 31 आइटम हमने किया है। फ्रिज है, एलईडी टीवी सारे आइटम है। एक माँ अपनी बेटी को देती है वैसे उसे आपसे दिया है। आज के अंदर जो कुरीतियाँ बढ़ रही हैं फजूल खर्ची और दहेज के लेन देन की, उसको समाप्त करने के लिए तो लेकर क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा आयोजन है, गरीब तबके के लोग हैं उन्हें भी उनको सहायता मिलेगी इन सब चीजों से। किसी की शादी है, आप भी बारात में आए हो या फिर कैसे? नहीं, हमें ऐसे देखने काफी व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं, सभी प्रोग्राम और सभी व्यवस्थाएं शुरू। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंचे श्री सावित्री जन कल्याण सेवा संस्थान का सामूहिक विवाह समिति द्वारा 33 जोड़ों का एक विवाह सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया गया। यहाँ संस्था के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे कि कितने जोड़ों का क्या क्या यहाँ की प्रक्रिया है। महिला अध्यक्ष हैं उनसे बात करना। सरिता जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री सती सावित्री मैया की जय। अभी हमारे 35 जोड़े का आज सम्मेलन में परिगणन संस्कार हो रहा है। 51 का हमने लक्ष्य लिया था, 41 जोड़े हो चुके थे, लेकिन अभी कुछ कारणों से कुछ जोड़े हमारे लास्ट मोमेंट पे टूट गए हैं, इसलिए अब आज 35 जोड़ों का सम्मेलन में विवाह हो रहा है। मैम, आप बताना चाहेंगे कि जो सम्मेलन में जोड़ों का विवाह होता है उनको क्या गिफ्ट दिया जाता है? गिफ्ट तो समाज के सभी बंधुए मिलकर दे रहे हैं उनको। एक घर बसाने का जितना भी सामान चाहिए था वो सारा हमने 31 आइटम हमने किया है। फ्रिज है, एलईडी टीवी, डबल बेड, चेयर, टेबल, कुर्सी, बर्तन और चांदी की पायल, बिछिया, सोने की नाकी, बाली और बर्तन वगैरह, मंगलसूत्र, लगभग सारे आइटम है। एक माँ अपनी बेटी को देती है वैसे उसे आपसे दिया। मैडम, आप बताना चाहेंगे कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं यही संदेश देना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर वर्ग के तबके के आदमी को इस सम्मेलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि और लोगों को भी इसका मतलब वो मिले, मौका मिले और इसका प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। तो यहाँ उपस्थित सर है उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर जी, एक मिनट का। मैं सतपाल सिंह तोसावड़, महामंत्री कोटड़ी धाम। श्री सावित्री जन कल्याण ट्रस्ट कोटड़ी धाम ने यह फैसला लिया कि 51 जोड़ों की कन्याओं का विवाह सामूहिक निःशुल्क कराया जाए, जिससे संबंधित जो ट्रस्ट की महिला विंग है उसको सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए अडॉप्ट किया गया। उसके बाद उन्होंने ये 51 जोड़ों का जो लक्ष्य था वो। सर, आप बताना चाहेंगे कैसे इस संस्था को आया कि हमें सामूहिक विवाह प्रोग्राम करना चाहिए? समाज के अंदर जो कुरीतियाँ बढ़ रही हैं फजूल खर्ची और दहेज के लेन देन की, उसको समाप्त करने के लिए ये लक्ष्य हमने पूरा करने का बीड़ा उठाया। और सर, बताना चाहेंगे जो जोड़े आए हैं वो पूरे राजस्थान से हैं या इंडिया लेवल? इंडिया लेवल, ये इंडिया लेवल पे हैं, सरोकार समाज के हैं। तो दोस्तों, आपने सुना और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आखिर वो आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, इस आयोजन को लेकर क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा आयोजन है, बहुत अच्छी व्यवस्था है और साथ में बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है। आप कहाँ से आए हो? मैं लुधियाना से आई हूँ, लेकिन रहती सुजानगढ़, अभी फिलहाल सुजानगढ़ से आई हूँ। तो आपने सुना, और भी यहाँ उपस्थित लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे, उन्हें भी पूछना चाहेंगे आखिर वो क्या कहेंगे। नमस्कार जी, आप इस आयोजन को लेकर क्या कहना चाहोगे? आपको क्या लगता है ये ऐसा आयोजन होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सबसे और जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें भी इस उनको सहायता मिलेगी इन सब चीजों से। तो दोस्तों, आपने सुना, आखिर ऐसे आयोजन होने चाहिए। और भी उपस्थित हैं लोग, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी, क्या कहना चाहोगे इस आयोजन? अच्छा लगा यहाँ। कहाँ से आए हो? चौकू से। आपके भी कोई किसी की शादी है, आप भी बारात में आए हो या फिर कैसे? नहीं, हमें ऐसे देखने के लिए आए। तो इंडिया भर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। नमस्कार जी, नमस्कार सब, क्या कहना चाहोगे इस आयोजन को लेकर? काफ़ी बढ़िया आयोजन है, काफ़ी व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं, सभी प्रोग्राम और सभी व्यवस्थाएं शुरू। और आप कहाँ से आए हो? यहीं से, सिकर से, सिकर से, कांवट से। तो आपने सुना।